अभी क्या करके जाने वाले हो? सर जीत के जाऊंगा। तो भाई सौरभ सोनी भाई ने हमारा कर दिया सेकंड विनर सौरभ सोनी। राजवी ने 10 मिनट में डन कर दिया, 10 मिनट 25 सेकंड। सोचा कंपटीशन में जीतना ही चाहता हूं, उन्होंने तीन तीन बार मतलब लगा कर दिखाए और लगाने के बाद ये रिजल्ट हमारे सामने के डन भी हुए। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। क्या बोलना चाहोगे? एशिया टेलीकॉम मतलब, एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। एशिया टेलीकॉम मतलब क्या है? पैसा वसूल सर। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। एशिया टेलीकॉम मतलब फुल पैसा वसूल। क्या बात, क्या बात। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। 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 एशिया टेलीकॉम मतलब फुल पैसा वसूल। एशिया टेलीकॉम मतलब पैसा वसूल। एशिया टेलीकॉम मतलब फुल पैसा वसूल। वेरी गुड। एशिया टेलीकॉम मतलब फुल पैसा वसूल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम मतलब क्या है? सर फुल पैसा वसूल। एशिया टेलीकॉम मतलब क्या है? फुल पैसा वसूल। एशिया टेलीकॉम मतलब, एशिया टेलीकॉम मतलब सर फुल पैसा वसूल। ये महज एक डायलॉग नहीं है, जो लोग यहाँ की ट्रेनिंग करके चे या कर चुके हैं और जो करके जा रहे हैं उसकी वजह से मैं बोलना चाहता हूँ कि फुल पैसा वसूल। चलिए तो हम इस समय लाइव है सीपीयू कंपटीशन फाइनल राउंड। कौन कौन एग्री है? सब एग्री है? तो चलिए हम एक पूरी दुनिया के इतिहास में एक इतिहास रचने जा रहे हैं आप। यस सर। इसको मोबाइल लाइन का इंस्टीट्यूट लाइन का इतिहास बोल सकते हैं हम। यस सर। हम क्या करने जा रहे हैं? सीपीयू कंपटीशन का फाइनल राउंड। यस सर। क्या करने जा रहे हैं? फर्स्ट राउंड हो चुका है हमारा। यस सर। सेकंड राउंड है। यस सर। फाइनल राउंड है। चलिए तो मैं आपका तारुफ करवाना चाहता हूँ एशिया टेलीकॉम के ऑनर, एशिया टेलीकॉम के सीईओ और जिनसे पंडे के लिए पूरे इंडिया के जितने भी टेक्नीशियन है सब बेताब है उनके बंडे के लिए। yes, sir. तो उनका नाम लेना चाहूंगा, उनका नाम है मिस्टर देवरतन अग्रवाल सर। yes, sir. एक बार क्लैपिंग कर दो सर के लिए। तो सर की तारीफ में अगर मैं शुरुआत करूंगा, सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि इंडिया में 2013 से यूट्यूब की लाइन में लाने वाले पहले शख्स है सर। यूट्यूब में इंस्टीट्यूट को लाने वाले पहले शख्स है। दूसरा ये है कि पहली बुक लिखी सर ने, फिर दूसरी बुक लिखी और अभी तीसरी बुक की तैयारी चल रही है। पहली बुक को दूसरी बुक को 9 बार अपडेट किया है। कितनी बार? 9 बार अपडेट किया है। यह पूरे भारत की हिस्ट्री में आज तक किसी भी इंस्टीट्यूट के ऑनर ने या टीचर ने यह कारनामा नहीं किया है। एक बार दिल से ताली बजाओ यार। सेकंड चीज सर के बारे में, सेकंड चीज बताना चाहूंगा कि सर जेसीआईडी के ब्रांड एम्बेसिडर है पूरे इंडिया के। चाइना ने इनको सर को नियुक्त किया है ब्रांड एम्बेसिडर के लिए। सर का अभी हाल ही में जो कोर्स लॉन्च हुआ है उसको 1.5 साल हो गया है और ना जाने कितने अनगिनत बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। आईफोन मास्टर कोर्स, सर को इस ऐप में किसी भी प्रकार से पैसा कमाने की उतनी वो नहीं थी, पैसा कमाने के लिए नहीं किया है। सर का उद्देश्य यह था कि जो भी छोटा से छोटा टेक्नीशियन है, जो 1,50,000 रुपया 1.5 लाख रुपया 1,25,000 रुपया 80,000 रुपये 90,000 रुपये का खर्च नहीं कर सकता, तो उसके लिए सर मात्र 7,000 रुपये लेके आए। सर का उद्देश्य है कि हर जगह तक सर का ये पहुंचे, सर का ये पूछे। और लास्ट में बोलना चाहूंगा कि सर से पढ़ने के लिए जो आपने सर से सीखा, पूरा हार्डवेयर सीखा, कैसा नॉलेज है सर का? क्या ये अगर आपको 6 घंटे की क्लास दी है तो नॉन स्टॉप क्लास दी है, बिना रुके क्लास दी है, बिना पानी पिए क्लास दी है, बिना खाना की, किसी की ताकत है इतनी लंबी क्लास देने की? नहीं सर। चलिए तो मैं एशिया टेलीकॉम के दूसरे नगीना मिस्टर मिलन साहू को बोलूंगा कि प्लीज सामने आए। वो ये एशिया टेलीकॉम के एमएमसी के और यूपीएस के बस ट्रेनर है। एक बार क्लैपिंग दिल से करो इनके लिए। और मिलन सर के बारे में बोलना चाहूंगा कि मिलन सर को
कोई भी इंडिया में इनके मुकाबले बेस्ट एमएमसी ट्रेनर यूएफएस ट्रेनर नहीं है, उन टीचर से पढ़ाया आपने। चलिए तो मैं सेकंड में बुलाना चाहूंगा, मैं आप लोगों से एक बार पूछना चाहूंगा, मिलन सर की पूरी एमएमसी यूएफएस क्लास में आप लोगों को बहुत नॉलेज मिला होगा, बहुत से फोन चालू भी किए होंगे और आप लोग ने ब्लैक पे स्टेट पे भी काम किया। हेलो, जबरदस्त क्लास हुई है, किस किस को अच्छी लगी इनकी क्लास? और ब्लैक पे स्टेट की बात करें तो मक्खन किस किस का हुआ जल्दी बताओ। मिलन सर की टेक्निक 30 सेकंड में ब्लैक पे स्टेट साफ करने की टेक्निक किस किस को मिली? एक बार जोरदार ताली बजाओ मिलन सर के लिए। अब मैं सबसे पहले अपने इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूब अपने क्रिएटर मिस्टर समीर अंसारी सर को बुलाना चाहूंगा। सर, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूं कि इन्होंने भी एक दुकान में एक टेक्नीशियन से अपना चालू किया है और चालू करके टेक्नीशियन से आज पूरे हिंदुस्तान में एक बड़े क्रिएटर हैं। आज इनकी मदद से बहुत सारे लोग आज दुकान दुकान तक पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत से लोग करोल बाग पे नहीं जा पाते थे, दुकान दुकान इंस्टीट्यूट नहीं आते थे, पर सर की सही नॉलेज और एक सटीक नॉलेज के साथ जो सर ने जगह जगह पर जा जाकर ये परवाना करते हुए कि धूप है छाव है क्या है, सर हर एक इंस्टीट्यूट जाते थे, उनका रिव्यू लेते थे, एक सही जगह पर एक सही टूल डीलर के पास जाते थे सही टूल दाम, ताकि किसी बच्चे के साथ कोई ये ना हो कि कोई धोखा हो, और अगर किसी के साथ कुछ गलत भी हुआ तो उसके साथ भी खड़े रहते थे। एक बार जबरदस्त ताली बजाओ सर के लिए। आज समीर अंसारी सर के जो YouTube चैनल है उनका नाम है न्यू गैजेट नगरी और उनके 5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है, एक बार जोरदार ताली बजाइए सर। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इस डेडिकेशन को देखते हुए समीर सर इतिहास में मेरे नजर में वो पहले यूट्यूबर है जिन्होंने अपने पूरे यूट्यूब करियर को दांव पर लगा दिया, सिर्फ एक सही चीज को एक इंस्टीट्यूट के चक्कर में सही चीज को आगे लाने के लिए, और ये ना देखते हुए कि उन पर केस चल रहा है या उनका यूट्यूब चैनल बंद हो सकता है, पर सर अरे रहे और डगे रहे और वो उन्होंने जीत हासिल की, बस जोरदार ताली बजाओ उसके लिए। सर प्लीज मोस्ट वेलकम। अब मैं बुलाना चाहूंगा इंडिया के सबसे बड़े टूल डीलर में से एक मिस्टर रामराज टूल, रामराज साहू सर, इनके बारे में बताना चाहूंगा कि जेन्युइन टूल के लिए स्टूडेंट भटकता है। सपोज वो दिल्ली जाए, उसको पता नहीं है कि मैं जो टूल खरीद रहा हूँ वो वाकई में जेन्युइन है कि नहीं है। अगर वो क्विक 861 भी खरीदता है तो उसको ये नहीं पता कि वो ओरिजिनल है कि नहीं है, पर एक क्योंकि हम हमेशा एक फेस को देखते हैं और यही चीज होता है, सर का फेस वैल्यू है मार्केट में इंडिया में, इसलिए उनके टूल बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं। उनसे देश से नहीं विदेश से, जैसे भूटान हो गए, नेपाल हो गए और भी कई बाहर से बच्चे यहाँ से टूल खरीदते हैं, पूरे हिंदुस्तान में इनका बहुत बड़ा नाम है। इनके एक छोटा सा किस्सा मैं बताना चाहूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक बार एक यूएफआई हमारे एक स्टूडेंट ने इन सर से खरीदा था, उसमें कोई डिफॉल्ट निकल आया क्योंकि यूएफआई एक चाइनीज एक माल है, एक चाइनीज एक जिसके अंदर किसी भी प्रकार की गारंटी वारंटी नहीं है, पर कोई भी टूल डीलर ये बोलता कि भाई मैं नहीं कर सकता जो भी है रिपेयर करवा लो, पर सर ने अपने ऊपर पूरा 19,000 से 20,000 रुपए का घाटा लेके उस स्टूडेंट को यूएफआई चेंज करके दिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। सर आईफोन के प्लस एंड्रॉइड के टूल को डील करते हैं और इनके टूल में काफी वेरियस टूल्स हैं जिसके बारे में हम सब पता करेंगे डिटेलिंग के साथ, जिसकी हमारी कल क्लास होगी। हेलो, आपसे जानना चाहता हूं कौन कौन रामराज सर से एक बार क्लास लेना चाहता है आप लोग? चलो ठीक है, रामराज सर प्लीज वेलकम। रामराज सर हमारे जज होने वाले हैं, मेन जज। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे टॉप 10 विनर, जो कि हमारे टॉप 10 फर्स्ट राउंड के विनर थे। एमडी सर प्लीज एक एक करके नाम बुलाइए उनके। सलमान प्लीज कम हियर। कैमरा ले। सेकंड कौशिक प्लीज कम हियर। सलमान मैं जानना चाहता हूं सीबीयू कॉम्पिटिशन में आप आए हैं, ये क्या सोच के आए हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़ा मुझे प्लीज बताओ। सर मुझे तो इसका कोई नहीं था कि मैं टॉप कॉम्पिटिशन में खेलूंगा, मैं तो सिर्फ इंस्टीट्यूट ज्वाइन जो किया था मैंने, सिर्फ अपनी उसको रिपेयरिंग के लिए, स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए,
ये क्या था अभी अभी दिमाग में क्या चला? मैं सिर्फ अभी का पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछा क्या सीखे, ये पूछ रहा हूँ अभी दिमाग में क्या चल रहा है सलमान। सर कुछ नहीं है, जो ऊपर वाला चाहेगा इंशाल्लाह अपनी हैंड स्किल के ऊपर भरोसा है। सलमान मैं ये चाहता हूँ सिर्फ एक ही शब्द कि मैं सर मैं जीत के जाऊंगा। सर सर मैं जीत के जाऊंगा। वेरी गुड सलमान, कीप इट अप। आइए प्लीज, सेकंड स्टूडेंट है मेरे साथ, तो सुचित आपसे ये कौशिक आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कभी आपने जीवन में ये सोचा था जब मैं एशिया टेलीकॉम पढ़ने जाऊंगा तो मैं काम तो सीखूंगा क्या, कभी सीपीयू कंपटीशन में बैठ पाऊंगा, कभी सोचा था आपने? आज आप सीपीयू कंपटीशन में हो, यस, तो कैसा फील कर रहे हो? और अभी फाइनल राउंड है, क्या करके जाओगे? आज सर बहुत अच्छा लग रहा है, आज सर फाइनल राउंड है, मैं विनर हूँ। आप नहीं सर ऐसा कुछ नहीं सोचा था, हम तो अपना कोर्स के लिए आए थे और टॉप 10 में मैं सेकंड आया हूँ, मतलब इतनी मेहनत है हमारे टीचरों की। अच्छा, तो बहुत अच्छा सर, मैं जीत के जाऊंगा। चलिए अजीज अजीज आइए, तो क्लिपिंग कर दो भाई इनके लिए। अजीज अभी क्या करके जाने वाले हो? सर जीत के जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट आइए बंटी, तो मेरे साथ में स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल से, बंटी क्या बोलना चाहोगे फाइनल राउंड में? मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। चलो सुमित आइए, सुमित फ्रॉम पुणे, सुमित फाइनल राउंड है, क्या बोलते हो? मैं ही जीत के जाऊंगा सर। वेरी गुड, आइए यस मुस्तकीम, आइए एक बार क्लिपिंग कर दो मुस्तकीम के लिए। सर मैं ही जीत के जाऊंगा, मैं भी जीतूंगा। आइए चलिए, तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सौरभ, आइए हम सब जीत के जाएंगे सर। तो मेरे साथ एक और स्टूडेंट है दुर्गेश, आइए प्लीज। दुर्गेश सवेरे तुम्हारी तबीयत खराब थी और अभी क्या है? सर अभी एक्टिव सर, अभी एक्टिव। यस सर। फिर क्या बोलते हो? एकदम बढ़िया सर। अभी क्या बोलते हो? कौन जीतेगा? अभी जीत के जाऊंगा सर, जीत के जाऊंगा। यस सर। तो फाइनली स्टूडेंट है मेरे साथ सागर, कम हियर सागर फ्रॉम एमपी। तो सागर फाइनल राउंड है, क्या बोलते हो? सर मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो इनाम जीतूंगा वो पकड़ के कैसे लेके जाऊंगा। कंपटीशन चालू करवाना चाहूंगा मैं। सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर हमारे जो दो जज हैं वो रामराज सर मेन जज हैं और हमारे जो सेकंड जज हैं वो हमारे मिस्टर समीर सर हैं। तो रामराज सर और मिस्टर समीर सर, पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले एक जायजा ले लो, देख लो किसी के पास डबल बोर्ड तो नहीं है, पहले प्लीज देख लो, फिर बताओ माइक में कि सब ओके है। एक बार देख लो प्लीज, आप वाली टेबल पे, आप वाली टेबल पे, और सब लोग अपने खड़े होकर जरा इनके जेब वेब दिखाओ जरा। कोई दूसरा बोर्ड तो नहीं लेकर आयो घर से? हाँ बोलो बोलो, हो सकता है घर से लेकर आयो, नहीं लाया ना। चलो जेब वेब सब जेब चेक करवा लो जरा प्लीज, एक एक करके। एक ही बोर्ड है टेबल पर, कोई दूसरा बोर्ड नहीं है ना? ठीक है, डिस्प्ले भी है, कोई सीपी तो अलग से नहीं लगा बनाकर? तो अभी इस टाइम पे जैसे मैंने यहाँ पर देखा है किसी के पास कोई भी बोर्ड एक्स्ट्रा नहीं है इस टाइम पर, जो भी बोर्ड है जो इन्होंने अपनी टेबल पे पहले से इन्होंने लगा के रखे हुए जिसका लोगो इन्होंने चेक कर रखा है, और विनर भी वो रहने वाले जो सबसे पहले फर्स्ट में लोगो दिखाएंगे हमें वो विनर रहने वाले। और अगर एलसीडी की बात करें तो सामने स्टॉप वॉच लगी हुई, कितने टाइम में कर सकते हैं फर्स्ट, तो वो भी हमें वहां से पता चलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं भाई। सारे स्टूडेंट चालू हो? यस सर। काउंटिंग चालू कर रहे हैं? बोलो यस सर। ठीक है रामराज सर प्लीज, 1 2 3 चालू करो। चलो ऑल द बेस्ट। थोड़ा कम, थोड़ा कम, आवाज कम, आवाज कम, थोड़ा और बढ़ा लो। हाँ बस कम ऑन, Thank you.
पहला सीपी उठ गया। एमडी सर माइक में उसका नाम लो। एमडी सर आपका नाम क्या है? नाम हाँ अजीज का सीपी उठ चुका है भैया, अजीज का सीपी उठ चुका है और जिसका भी सीपी रिवाल हो जाए। नाम क्या है भैया? राजवीर का भी सीपी उठ चुका है, राजवीर का सीपी उठ चुका है। हमारे पास दो विनर आ चुके हैं। आपका नाम? एक और उठ गया सोनी। तीन लोगों के भैया सीपी उठ चुके हैं। अब जिसका भी रिवाल हो जाए वो अपना हाथ खड़ा करे। भैया सुमित का भी सीपी उठ चुका है। अब जिसका जिसका सीपी रिवाल हो जाए वो भी अपना हाथ खड़ा करे। थोड़ा आवाज कम करो, आवाज कम करो। आपका क्या नाम है? क्या पंडित? भैया पंडित का भी सीपी उठ चुका है। सलमान ने भी सीपी उठा दिया। अब जिसका सीपी रिवाल हो जाएगा वो अपना जल्दी से हाथ खड़ा करे। देखो सीपी कंपटीशन हो रहा है, इंडिया फर्स्ट फाइनल राउंड, और जज हमारे समीर अंसारी सर, यूट्यूब चैनल और रामराज सर। जैसे कि आप देख सकते हो मैं देवेंद्र अग्रवाल आज वो कर दिखा रहा हूँ जो मैं बहुत दिल से सोचता था कि करूँगा। और ये बहुत फेयर है क्योंकि यहाँ पर जो जज है वो केवल हमारे मिस्टर सरवीर सर और रामराज सर है, बिल्कुल फेयर जज। अजीत का क्या बात है? ताली बजा दो भाई अजीत के लिए। फिक्स कर रहा है, फिक्स कर रहा है, सीपीयू पे फिक्स कर रहा है अजीत। भैया जिसका भी सीपीयू फिक्स हो जाए डिस्प्ले में लगाकर लोगों दिखाना है। थोड़ा पीछे पीछे हट जाओ, थोड़ा पीछे हट जाओ, थोड़ा स्पेस दो, स्पेस दो, थोड़ा स्पेस दे दो सब लोग प्लीज। सबकी रिबॉलिंग चल रही है, वेरी गुड। राजवीर सीपीयू लगा रहा है। किसी के पास डिस्प्ले नहीं हो तो मुझसे मांग ले। अरे तुम तो टेक्निशियन हो, 8 मिनट में रिबॉलिंग पे पहुंच गया सीपीयू। 8 मिनट हो चुके हैं, 8 मिनट। जिसका भी डन हो जाए मुझसे डिस्प्ले मांग ले, अगर किसी का डिस्प्ले नहीं हो तो चले जाओ। जिसका भी डन हो जाए सीपीयू कंपटीशन इंडिया फर्स्ट एंड्रॉइड जरूरी है। फाइनली हमने कल दिखाया। ये लो भाई लो। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? ये लो। क्या नाम है? राजवीर। भैया राजवीर ने डन कर लिया, हमें लोगो देखना है, उनका लोगो। राजवीर का डन हो गया, राजवीर का। राजवीर चेक कर रहा है सीपी। भैया राजवीर अपना लोगो दिखाएंगे। ये 10 मिनट हो चुका है और देखते हैं राजवीर का लोगो आता है या नहीं। चलो राजवीर ने 10 मिनट में डन कर दिया, 10 मिनट 25 सेकंड, 10 मिनट में। Thank you.
हाथ ऊपर करो भाई, नाम नाम। तो भाई सौरभ सोनी भाई ने हमारा कर दिया है सेकंड विनर। सौरभ सोनी भाई, सौरभ सोनी ये कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। तो भाई अब थर्ड की कमी है बस, थर्ड थर्ड। राजवीर पहले विनर है। राजवीर तीनों का फेयर कॉम्पिटिशन में तीनों जीते हैं सर। बिल्कुल फेयर हुआ है, बिल्कुल फेयर हुआ है। सारे वोट चेक करें, सारे वोट लाइट थे। सबसे पहले मैं अपने जज जो मेरे श्री रामराज साहू सर और मिस्टर एमडी हमारे अमर समीर अंसारी सर, मोहम्मद समीर अंसारी सर, इनसे पूछना चाहूँगा कि सर कोई भी ऐसी चीज़ जो लगे आपको कि अनफेयर हुई है, क्या फेयर कंपटीशन खेला गया है। उसके साथ मैं अपने सारे स्टूडेंट के साथ भी पूछा चाहूँगा कि किसी के साथ कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पार्शियलिटी हो रही है किसी के साथ। नहीं, पहले तो हमारे सर आप मुझे बताइए प्लीज़। सर बिल्कुल फेयर कंपटीशन था, सारे वोट सभी के पास लाइव वोट थे जो हम लोगों ने चेक करे हैं, और किसी के पास कोई दूसरा वोट भी नहीं था। बिल्कुल फेयर कंपटीशन हुआ है। और सर आप बताएं। बिल्कुल सर, सर जैसे अभी वीडियो के अंदर मैं देख ही रहा था, कंटिन्यू वीडियो भी शूट कर रहा था, बिल्कुल लाइव एकदम, कुछ ऐसे कुछ भी नहीं रहा। पहले भी उनकी टेबल चेक करी गई है, डेस्क चेक किया गया है, उनको चेक किया गया है, उसके बाद उनको टेबल पे बिठाया है। तो उन्होंने जैसे जैसे एक भाई ने हमारे 10 में किया, एक भाई ने हमारे 20 से 25 मिनट लगाए, तो तीनों हो गए हमारे को, तीनों मिल गए, तीनों मिल गए हमें, तीन विनर हमारे पास है इस टाइम पे। बाकी 10 के लिए प्लीज कुछ चाहिए, तो बाकी भाई 10 जो हमारे जो नहीं कर पाए तो उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है। बस ये रहता है कि जिस टाइम पे थोड़ा सा कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो हाथ पैर हमारे थोड़े से फूल जाते हैं, उसके कारण वो रह गए। नहीं तो कोई कई भाई ऐसे भी होंगे जिन्होंने वन वन टाइम में किया होगा और इस टाइम पे वो दो बार भी लगाए होंगे, उनका हो सकता है डन नहीं हुआ होगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं सोचो कि मेरा नहीं हुआ, उनका हो गया, उनका नहीं होगा, सबका होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, अपनी शॉप पे जाओगे, सब कुछ सारे चौके छक्के मारोगे, ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला। बस इसके अंदर क्या चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस, क्योंकि ये प्रेशर है। क्योंकि और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो इन्होंने हमें सीपीयू लगाकर दिखाए, सारे के सारे भाई हमारे फ्रेशर थे और उन्होंने सीपीयू लगाकर दिखाए, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी सारे फ्रेशर स्टूडेंट थे, उनके पहले से माइक्रोस्कोप भी नहीं थे ऐसा मेरे को पता चला है, किसी के पास कोई माइक्रोस्कोप भी नहीं था, बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट थे जिन्होंने कभी भी नहीं सीखा, कहीं मोबाइल रिपेयरिंग भी नहीं सीखी, पहली बार सीखने आए विदाउट माइक्रोस्कोप के, प्रैक्टिस करी इन्होंने और विनर रहे हैं। एक बार बाकी सात जनों के लिए बस जोरदार ताली बजा दो भाई। धन्यवाद, मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों को। आप लोगों ने एक बार आप लोगों के लिए जोरदार ताली बजाएंगे भाई। बहुत अपने सारे सहपाठियों का आपने उत्साह बढ़ाया, और मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, आप सभी से, क्या डे वन से एक फेयर कोर्स आपने किया? हेलो, यहाँ पे कौन कौन सीपीयू लगा के बैठा हुआ है जल्दी बताओ। सब लोग लगा के बैठे। तो सबसे पहला मेरा जो सबसे पहला विनर है, मैं चाहूंगा कि उसको हमारे मिस्टर रामराज सर एक गिफ्ट जो कि माइक्रोस्कोप है वो देंगे। और मेरा सबसे पहला विनर है राजवीर, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई राजवीर के लिए। ये माइक्रोस्कोप एक बार राजवीर यहाँ सबके सामने खोलेगा, हेलो, ताकि ये देखने के लिए कि अंदर माइक्रोस्कोप है कि नहीं। राजवीर प्लीज ओपन करो इसको। रामराज सर के आप देख सकते हैं, ये कार्ड है हमारे सर का, ये कार्ड यहाँ पे दिखाओ। ये हमारे मेन चीफ गेस्ट हैं जिन्होंने एक माइक्रोस्कोप हमारे फर्स्ट विनर अप को दिया है। आओ।
राजवीर। मैं सेकंड हैंड रनर अप को बुलाना चाहूंगा, सेकंड हैंड रनर अप सौरभ आइए प्लीज, एक बार जोरदार ताली बजाओ सौरभ के लिए। और मेरे एक और चीफ गेस्ट मेरे साथ आए, हमारे दोस्त हमारे डॉक्टर साहब, एक बार जोरदार ताली बजाओ सर के लिए। सर आप बहुत कुछ मिस कर गए, चलिए और इनका गिफ्ट ले आ जाए भाई, सेकंड मिलन सर गिफ्ट आ जाओ, इस साइड आओ, बीच में आओ, ये आप पकड़ो ना सर, ये आप आओ, आ जाओ इस साइड आओ, आओ आप भाई साहब जब बारात गई थी तब तो इतना हुआ। T210 एक बार खोल के दिखाओ प्लीज, कम ऑन कीप क्लैपिंग, ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट, एक बार सिंगल फोटो हो जाए प्लीज, सिंगल फोटो। थर्ड भी हमारे जो विनर है वो है सलमान, एक बार जोरदार ताली बजाओ सलमान के लिए, लाओ भाई 2000 लाओ इसके लिए, कौन ने बोला था 2000 सेकंड में बोला था, कोई बात नहीं काफी है, लोगों को मैं दिखाऊंगा कि अपना इंस्टीट्यूट खोल के दिखाऊंगा इनको मैं, सलमान के इंस्टीट्यूट खोलने में सबसे अहम भूमिका देवता रघुवाल निभाएगा, एक बार जोरदार ताली बजाओ, लाओ भाई आ जाओ। एक बार मैं फिर आखिरी में जानना चाहूंगा हमारे दोनों जो जज है वो अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उसके बाद भी अपन सर्टिफिकेट का काम करेंगे, बताइए सर सबसे पहले आप। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं इतनी जगह पर जाता हूँ इंडिया में, हर जगह जाता हूँ, मगर आज जो मैंने देखा है ये फर्स्ट टाइम देखा है कि स्टूडेंट का भी उसके अंदर बेनिफिट हुआ है कि उन्होंने मेहनत करके काम किया, और बेनिफिट के साथ साथ उनका हैंड स्किल भी पता चला कि उन्होंने कितनी जबरदस्त तरीके से काम किया, जिनसे नहीं हुआ तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि बोर्ड एक साइड रख दूं, उन्होंने दोबारा से उतारा, नहीं जब उनसे दोबारा नहीं हुआ तो उन्होंने सोचा कंपटीशन में जीतना ही चाहता हूं, उन्होंने तीन तीन बार मतलब लगा कर दिखाए, और लगाने के बाद ये रिजल्ट हमारे सामने के डन भी हुए, और जो कि हम देख रहे हैं, और ये भी आपने देखा ही, आप सबके सामने सबको गिफ्ट भी मिले, तो यार गिफ्ट देख के बहुत मजा आया, गिफ्ट तो एक छोटी सी बात समझ लो, चलो मैं गिफ्ट को नहीं कहता, मगर ये एक फर्स्ट टाइम मैं देख पा रहा हूँ जो इंस्टीट्यूट के अंदर कॉम्पिटिशन रखा गया है कि स्टूडेंट के अंदर की 10 स्टूडेंट एक से बढ़कर एक क्या काम करने वाले, वो हमें लाइव देखने के लिए, वो भी फ्रेशर, काफी सारे स्टूडेंट के पास तो माइक्रोस्कोप भी नहीं था, जो कि यहाँ से जाने के बाद परचेस करना चाह रहे हैं वो, और परचेस के बाद आगे अपना हैंड स्किल और इम्प्रूव करेंगे वो, बहुत अच्छा लगा सर यहाँ। सर रामराव सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने कभी ऐसा चीज अभी तक इंस्टीट्यूट के हिस्ट्री में देखी है क्या जो फ्रेशर लेवल पे, बताइए। नहीं सर, जब से मैं काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, मैंने इस टाइप का कंपटीशन तो कभी नहीं देखा, किसी इंस्टीट्यूट में भी नहीं देखा है, और जो फ्रेशर स्टूडेंट है वो सीट भी लगाए, ऐसा कॉम्पिटिशन भी मैंने आज तक कभी नहीं देखा, जो भी देख रहा हूँ एशिया टेलीकॉम में पहली बार देख रहा हूँ, और बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन रहा, और बहुत बढ़िया मेहनत करी बच्चों ने, जो फ्रेशर बच्चे थे काफी मेहनत करी, सभी लोगों ने मेहनत करी। सर आप लेट आए पर आपको पता है क्या हो रहा था यहाँ पर, आप मुझे बताएं शुरू से इनका व्यवहार कैसा रहा, और ये बच्चे क्या सीख के क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से। मैं आज इस बात के लिए सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरी इंडिया में जिस हिसाब से मैंने भी लाइव देखा घर में, थोड़ा सा लेट हो गया मैं, लेकिन मैंने लाइव देखा कि सभी स्टूडेंटों ने प्रॉपर ढंग से CPU वगैरह अपना काम किया है, और ये सारा श्रेय सर आपको जाता है कि आपने इंडिया के अंदर पहली बार ऐसा मतलब ऑर्गेनाइज किया है इस टाइप का कार्यक्रम। मैं तो ये चाहता हूँ कि आने वाले स्टूडेंट उन लोगों को एक सबक है कि भाई ये इंस्टीट्यूट गिफ्ट भी देता है और स्टूडेंटों को मोटिवेट भी करता है कि भाई आप इस टाइप का काम करें, जैसे सलमान ने बोला कि भाई मैं इंस्टीट्यूट खोलूँगा, यानी ये सारे स्टूडेंट इंस्टीट्यूट खोलने के लिए सक्षम है, बिल्कुल है ना, सक्षम है, इसके लिए मैं एडवांस में बधाई देता हूँ, और आने वाले स्टूडेंटों को भी एडवांस में बधाई देता हूँ कि ये सौभाग्य मत छोड़े कि यहाँ पर अपना एडमिशन ले। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मिलन सर क्या कहना चाहेंगे इस कॉम्पिटिशन के बारे में, बताइए प्लीज। सर ये बच्चे हैं जो जिंदगी में माइक्रोस्कोप नहीं देखे थे, ये बच्चे हैं जो SMD भी नहीं चलाने जानते थे, ये बच्चे
हैं जो 200 रुपए के आयरन में काम करते थे, और ये बच्चे सीपीयू कंपटीशन में हिस्सा लिए हैं, बहुत बड़ी बात है। और 10 मिनट 12 मिनट के अंदर सीपीयू लगा के भी दिखाए, बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। और जो बच्चे नहीं लगा पाए, मैं उन लोगों को बोलना चाहूंगा, ये कोई ऐसा ताज नहीं है, ये आपको घर जाके और प्रैक्टिस करना है, और 10 मिनट के आप 5 मिनट में भी लगा सकते हो। मैं जो भी लाइव देख रहा है, जो भी यूट्यूब में देख रहा है, पूरे इंडिया, इंडिया के बाहर के सब लोगों को एक बार बताना चाहता हूं, जो इसे टेलीकॉम के बारे में नहीं जानता है, कि जैसे मिलन सर ने कहा कि जो बच्चे ने नहीं लगाया, पर मैं उनको साफ करना चाहता हूं, या जब राउंड वन हुआ था, हेलो, तो किस किस ने सीपीयू लगा के बैठे हुए हैं राउंड वन में, सभी लोग हेलो, चौथे दिन में लाइव सीपीयू किस किस ने लगाया, चलिए बताओ यहाँ पर, और हर दिन लगा रहे, समझ में आ रहा है यहाँ पर। ये कॉम्पिटिशन एक हमने अपने फेयर कि हम एक बार आपको प्रोत्साहित कर सके कि यार आप एक लाइव कॉम्पिटिशन को फील करें, हेलो, वो प्रेशर को फील करें, समझ में आ रहा है मेरी बात। ओमकार, ऐसे डील का मतलब क्या है? फुल पैसा वसूल सर। ये लास्ट है आपसे, मैं लास्ट पूछना चाहता हूँ, ऐसे डील का मतलब क्या है? थैंक यू देवरतन सर, थैंक यू मिलन सर, थैंक यू एमडी सर, और दुर्गेश सर आज नहीं है, उनको भी थैंक यू। वेरी गुड, वेरी गुड। और 20 दिन में इतना नॉलेज मिला है, बहुत ही अच्छा, और 20 दिन किधर निकल गए वो भी नहीं पता चला, बहुत सीख के जा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये सारे सीपीयू मास्टर के लिए, ये पहला, एक मिनट, ये सबसे पहले हमारे चीफ गेस्ट को लाना चाहिए, और जिनने बहुत बड़ा दिन दिखाते हुए माइक्रोफोन को गिफ्ट किया, एक बड़ी बात है के लिए। दूसरा, एक बहुत दूर से और इसी बरसात में बड़े आए हमारे सभी अंसारी सर, जो पूरे इंडिया में ये वीडियो को पूरे लोगों तक फैलाएंगे। अभी मेमसी खत्म की हुआ, मिलन सर को होगा, मिलन सर की जबरदस्त मेमसी क्लास के लिए। और उसके बाद इस सीपीयू कंपटीशन के सबसे बड़े हकदार एमडी सर के, और इस पूरी व्यवस्था को छटापट करने के लिए मैं अनिल को बुलाना चाहूंगा एक बार। मेरा पहला विनर राजवीर, मेरे को लगाना मत लगा। मेरा दूसरा विनर सलमान है, दूसरा विनर ऐसा होना चाहिए।